अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्त कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी देर हो गई, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं यूट्यूब पे डाली थी, तो मैंने कहा आज आप दोस्तों को वीडियो दिखाता हूँ। ये यहाँ पे दो किसान लगे हुए हैं यहाँ पे ना, ये गोबर वगैरह को ना ये कर रहे हैं सेट। ये ज़मीन है ना, यहाँ पे आलू की बिजाई होनी है, आलू की काश्त होनी है, तो ये लगाने से पहले ज़मीन के ऊपर ये इस चीज़ को ना गोबर को डाल रहे हैं। ये देखें जगह जगह पे ना ढेरी लगी हुई है, और ये इस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं मिट्टी के अंदर। और ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, मैंने इनसे पूछा है, मज़ीद पूछते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल जी, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है जी? ये सजी किस लिए ये डाल रहे हैं ये अपना गोबर? ये फसल की ताकत के लिए। अच्छा, फसल की ताकत के लिए। और लगाना क्या है यहाँ पे? आलू लगाए। आलू लगाना है, सही हो गया जी। ये कितनी है ज़मीन, कितनी ये वाली? ये 1 किला है। 1 किला है ये, सही है। और माशाल्लाह ये मेरा ख्याल खाद का काम देता है ये गोबर, पहले को ताकत देता है, खाद से भी ज़्यादा अच्छा ही है। खाद से भी ज़्यादा सही। अब तो सारी खादें डाल रहे हैं लोग, लेकिन कोई है जो मेरा ख्याल ये इस तरह का काम करता होगा, वरना कहते हैं मेहनत ये करने को छोड़ो, सिर्फ वो खाद वगैरह डालो, ऐसे ही है। लेकिन ये खाद से भी बेहतर है, खाद से भी बेहतर। अब इसको पानी लगाएंगे, सही है, ये हल चलाएंगे, ये मिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ताकतवर हो उसके बाद बीज लगाना है, ठीक हो गया। यानी कि बहुत मशक्क़त वाला काम है, ज़रा इनको आपने करना है, फिर उसके बाद जाके ज़मीन की ताकत के लिए। सही सही सही। पहले लोग खाद शाद होती नहीं थी, ऐसे ही काम करते थे ये वाला। हाँ जी, ये बेस्ट है वैसे, ये बहुत अच्छा तरीका है ये वाला। इससे एक तो जो ज़मीन को भी ताकत मिलती है, और पैदावार भी है ना अच्छी होती है। ये यहाँ पे दूसरी साइड पे आपको ज़मीन नज़र आ रही है, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही करना है, वहाँ पे भी आलू की काश्त होनी है, और इस वाली ज़मीन में भी आलू की काश्त होगी। अभी ये जैसे ही ये कंप्लीट होगा, फिर ये पानी देंगे, उसके बाद बीज लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।